ये वाला भी मिल जाएगा, ये यहीं का स्पॉट का। ओके यही है, ये खड़े हुए हैं। और ये पानी जो बह रहा है ये देखो कितनी तेज पानी बह रहा है, ये सब यहाँ से जा रहा है पानी। हाँ, बड़ा बड़ा तेज पानी, ये इधर से पानी आ रहा है। ये मैं पीछे का कुछ पता नहीं, कहीं 15 मिनट भी लेट हो गए, वो पूरी भागे थी पोस्ट वोस्ट आप लोग। यहाँ बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट है कि अगर इधर ये सारा एम्बैंकमेंट बनता है ना पत्थर वाला, तो उससे कुछ प्रोटेक्शन ये मिलेगा कि एक तो ये सारा फेंसिंग वेंसिंग लग जाएगी इधर का, और जो फ्लड वाटर है वो नहीं आएगा जैसे ये बना हुआ है। ऐसा करूँगा मैं इसकी डीक्वायरी बनवाता हूँ, बड़ा महंगा प्रोजेक्ट होगा लेकिन जोरी के लिए ओवरऑल बनवाता हूँ, इसमें ये वाला पॉइंट भी रखते हैं, कुछ बचाव हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, स्टेप्स में ही है, पानी से डालो, पानी वो एक दे देना, अरे अपना पानी वाला वो ले आओ, पानी डालो। जितना भी इसका नाम रखा हमने कौमी भावना शक्ति, जिसको पूरा कर रहे हैं शुरू से ही, शुरू से ही इन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम कौमी भावना रखा है, जिसमें मैं यूनिट्स के अंदर बैठकर ऑफिसर से इंटरेक्ट करता हूँ, रुकता हूँ, और दूसरे दिन हम फौज पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ मिलकर प्लांटेशन करते हैं और बातचीत होती है यहाँ की पीस और डेवलपमेंट के लिए। तो आज 59 बटालियन यहाँ BSF और इनके CO साहब राजेंद्र सिंह जी हैं और सिंधु साहब DIG साहब जो हैं इनकी सदारत में, इनकी कोऑपरेशन और असिस्टेंस से यहाँ भी ये इनिशिएटिव जो है लिया गया। यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है इनका कैंपस के अंदर यहाँ प्लांट्स लगाए गए। कल हमारी बातचीत यहाँ के पीस और डेवलपमेंट के ऊपर हुई, बहुत सारे इनिशिएटिव्स BSF जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रात दिन तैनात रहती है और पूरे एरिया को सिक्योर करती है। इसके अलावा BSF और सारे इनिशिएटिव्स यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर पब्लिक की फलाह और बहबूदी के लिए, जैसे वेटनरी कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, सद्भावना और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे। आज का जो मैसेज था वो स्ट्रांग ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और मिलजुल कर पैरामिलिट्री फोर्सेज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शोल्डर टू शोल्डर रहकर यहाँ लोगों के लिए दिन रात काम करें। कितने पौधे सर आज लगाएंगे? आज शुरुआत तो नॉमिनल इन्होंने पेड़ लगाए हैं, यहाँ 8-10 पेड़ लगाए, लेकिन आने वाले टाइम में जो भी इनका कैंपस है ये पूरे इसमें मैक्सिमम पेड़ लगाएंगे। सर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज जो है वो ट्रैकिंग जो है शुरू हो रही है, शाम को भी जो है बेस कैंप से वहाँ से प्रोग्राम भी है, क्या किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, क्या करेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75 साल की आपने देखा होगा, इस ज़िले के अंदर बहुत सारा एंथुजियाज्म है लोगों के बीच में, बहुत लोग खुश हैं, बहुत स्टेट से और ज़िला से लोग यहाँ आए, एक वन डे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम हुआ। दूसरा अब यहाँ आज ट्रैकिंग का जो आपका ग्रुप है उसको शाम को एक कैंप रखा गया है ब्रहाल में, कल को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा रूरल फेस्टिवल जितने हैं या यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ड्रेस है, यहाँ का जो लोगों का खाना पीना है उसको पब्लिसाइज किया जा रहा है ताकि लोग जोरी के बारे में जानें, लोग यहाँ आएँ और ये टूरिज़्म मैप पर आए, यहाँ सयाह आएँ और यहाँ से लोगों से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। ये आज का जो प्रोग्राम आपने देखा ये एक सम्मिलित तौर पर ये पूरा प्रोग्राम इसको मुकम्मल किया गया, और पर्यावरण संरक्षण अगर हम देखें तो ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, पर्यावरण हम सबके लिए है और पर्यावरण संरक्षण को ही आगे बढ़ाते हुए इस साल BSF की जो 4 बटालियन यहाँ पर हैं अपने राजौरी और पुंछ में, हमने 18,000 पौधों का एक लक्ष्य लिया था और वो तकरीबन हमने पूरा कर दिया है, उसमें खाली 400 या 500 पौधे बचे हुए हैं जो